बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे हाथ वाली सेवइयां। ये हाथ के साथ पोटों के साथ बनती हैं, पोटों वाली सेवइयां बोलते हैं। ये बहुत मज़े की बनती हैं, आप देख सकते हैं, और बहुत मेहनत का काम है। पंजाब में बहुत मशहूर पंजाब की डिश है ये, आप ज़रूर ट्राई करिएगा और आप मुझे बताइएगा कि आपने कभी बनाई हैं या खाई हैं तो आपको कैसी लगी हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये घी या बटर जैसे आपकी मर्जी है, जो आपको पसंद है वो डालेंगे। थोड़ा सा ऑयल डालूंगी ताकि घी जले नहीं, तकरीबन टेबलस्पून डाल लें, और बटर डालेंगे इसके अंदर तकरीबन 3 टेबलस्पून या जितना आपको पसंद है। इलायची डालेंगे तकरीबन 4, इसको हल्का सा कटरा लेंगे। जो सेवइयां हमारी बनी हुई थी इसको हमने थोड़ा सा भुना हुआ है, ड्राई रोस्ट किया हुआ है हल्का सा, इसलिए हमें ज़्यादा वो पहले डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा हम भुनेंगे घी के अंदर, हल्की हल्की सी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो फिर इसके अंदर हम दूसरी चीज़ें डालेंगे। इसके अंदर कलरफुल भी होती हैं, आपकी मर्जी है। हम इनको फ्राई कर रहे हैं, बड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी इनकी, बहुत मज़े की बनती हैं, आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी कैसी बनी। ये ज़्यादा पंजाब की फेमस डिश है, खवातीन वहाँ पर बहुत बनाती हैं, लेकिन आपको गांव वगैरह में मिलेंगी, सिटी में आती हैं लेकिन कलरफुल सी और तरह की होती हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप कलर ऊपर डाल भी सकते हैं, जब दम देंगे इस वक्त हम कलर ऐड कर देंगे हल्के से, जो आपकी मर्ज़ी है, रेड फूल कलर डालें या ऑरेंज डालें, जो आपको अच्छा लगता है आप कलर ऐड कर सकते हैं। ये आपने 1.5 कप ले लेनी है सेवइयां, और उसके अंदर 3 टेबलस्पून बटर डलेगा, जौन सा भी आपको पसंद है बटर डाल लें, घी डाल लें, ऑयल जिसमें आपको पसंद है वो डाल लें। ये हमने डाला हुआ है बटर, इसलिए इसकी थोड़ी झाग सी लग रही है। देखा जाग ख़त्म हो गई है, इसलिए वो बटर डाला था उसकी थी, अगर देसी घी डालें फिर बिल्कुल नहीं भी होगी। तो ये कलर आ गया हल्का सा, आप देखें, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा नहीं हुई, थोड़ी थोड़ी वाइट है। सेवइयां हमारी भुन गई हैं, बटर के अंदर फ्राई हो गई हैं, इसमें पानी डालेंगे। साथ ही हम 1 कप चीनी का डाल देंगे। इसको पकने देते हैं। इसको कवर करते हैं, पकाते हैं तकरीबन 5 मिनट तक। खोल के देखते हैं, बिल्कुल हल्की आंच पे, ये बहुत ज़्यादा फूल की हो जाती है। इसमें हल्की आंच पे बनेंगी, पानी सूख जाएगा फिर हम उनको थोड़ी देर दम देंगे, लेकिन अभी पानी है, ये चावलों की तरह हो जाएंगी। अभी हम और पकाते हैं तकरीबन 2-3 मिनट के लिए।
चेक करते हैं, पानी हमारा ऑलमोस्ट सूख गया। तो ये तकरीबन डबल साइज हो जाएगा इनका। हम इनको दम लगाएंगे थोड़ी देर के लिए और ऊपर हम थोड़े से कलर ऐड करेंगे। ऐसे भी रख सकते हैं आप, ओरिजिनल कलर इनका ऐसे ही है, लेकिन अगर आप कलर देना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। रेड कलर डालेंगे एक साइड पे, थोड़ा ग्रीन कलर डालेंगे, येलो कलर थोड़ा सा डालेंगे, इसमें थोड़े से मेवे डाल लें, किशमिश आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, बादाम पिस्ता जो भी आपकी मर्जी है वो डालेंगे। बादाम हम बाद में डालेंगे और इसको दम पे लगाते हैं 5 मिनट के लिए। चेक करते हैं, दम आ चुका है हमारा। ये जर्दे जैसी भी होती है, मज़े की लगती हैं बहुत। मिक्स करते हैं इनको और डिश आउट करते हैं। सेवइयां हमारी रेडी हो गई हैं, हम डिश आउट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं बहुत मज़े की लग रही हैं और हैं भी बहुत मज़े की। आपने ज़रूर बताना है कि आपकी किस तरह की बनी, और आपने कभी खाई हो तो बताइएगा, ट्राई करते हैं। आप ज़रूर ट्राई करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपकी किस तरह की बनी, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।